राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार माहौल क्या है समझ में नहीं आ रहा है। लगातार इस पर सर्वे हो रहे हैं, पार्टियाँ अपने अपने स्तर पर समझ रही हैं। टिकटों का बंटवारा इस बार इतना गंभीरता से किया गया है कि अभी तक कल तक लिस्ट जारी हुई है और कई सारे लोगों ने तो बिना टिकट घोषित हुए ही नामांकन कर दिया। तमाम तरह की वापो बनी हुई है यहाँ पर, और ऐसे में राजस्थान का यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कई पुराने नेताओं को इस बार देखा नहीं जा रहा है, वो गायब हैं, कई नए नेता सामने आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में रमन, डॉक्टर सीवी रमन हॉस्टल में मैं हूँ। यहाँ मेरे पास रिसर्च स्कॉलर सारे बैठे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, इनसे समझते हैं कि वाकई में माहौल क्या है। आप बताइए ज़रा, विश्वविद्यालय में हम इस समय हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे रहे यहाँ पर। RPSC का मुद्दा रहा, पेपर लीक का मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा। सरकार कहती रही कि हम जो बजट ला रहे हैं वो युवाओं के लिए ला रहे हैं, पूरा बजट युवाओं के लिए होगा। आपके नज़रिए से क्या लगता है? चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन यानी जो वैकेंसी है वो टाइम टू टाइम आनी चाहिए। इस सरकार में वैकेंसी आई हैं क्या? हाँ, इस सरकार में बिल्कुल वैकेंसी टाइम टू टाइम आई है। आपका विधानसभा क्या, कौन सा क्षेत्र है? फुलेरा। फुलेरा, तो फुलेरा में लगातार BJP वहाँ पर 3-4 बार से चुनाव जीत रही है। इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया, पुराने प्रत्याशी को किया, तो आपको क्या लगता है, योजनाओं को देखोगे या अपने रोजगार को देखोगे या जो प्रत्याशी आया उसको देख करके वोटिंग करोगे? रोजगार को देखेंगे सर। तो रोजगार मिला है सरकार इस अभी वैकेंसी तो निकली है, बाकी रोजगार का तो भी है कि जैसे अगली गवर्नमेंट चाहे कोई भी, यदि वैकेंसी टाइम टू टाइम करवाती है तो उसी को देंगे। वैकेंसी का कैलेंडर ठीक से होना चाहिए। हाँ सर, तभी जाकर के बात बनेगी राजस्थान की। हाँ सर, तो अभी जो 5 साल आपने जिस उम्मीद से सरकार, आप लोगों ने वोट किया होगा चाहे जिसको किया होगा, सरकार आई, वो सरकार क्या फुलफिल कर पाई आपकी मांगों को? यस सर, जैसे जो भी डेट आई उसी डेट पे एग्जाम हुई है। हाँ। RPSC ने जो कैलेंडर जारी किया है उसी डेट को यानी एग्जाम हुई है। पेपर लीक का कुछ मुद्दा है? पेपर लीक का सर मुद्दा नहीं, लोग कह रहे हैं कि पिछली सरकार में ज़्यादा, वो कहते हैं 23 पेपर लीक हुए, कह रहे हैं 19 पेपर लीक हुए। वो सर हर गवर्नमेंट में होता है, यहाँ हर गवर्नमेंट में होता है। इंटरनेट जब बंद हो जाता है, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, उस दौरान जब इंटरनेट बंद किया जाता है तो हमारे जैसे पत्रकारों को भी दिक्कत होती है खबरों को लिखने पढ़ने में, आप लोगों को कोई दिक्कत होती है उस समय? यस सर। तो क्या होना चाहिए, क्या सुझाव है आपका, चूँकि जो मैनिफेस्टो बन रहा है पार्टियों के, जो चुनाव में सरकारें आ रही वादे करेंगी, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंटरनेट बंद होने से सर कोई से पेपर आउट होना थोड़ी रुकता है, इंटरनेट बंद करने से तो कोई बड़ी कोई कठोर पॉलिसी आनी चाहिए। यस सर। अच्छा, अब आपसे समझते हैं जरा, आपसे समझते हैं, कौन सी विधानसभा क्षेत्र है आपका? लालछोट विधानसभा क्षेत्र। स्वास्थ्य मंत्री वहीं से आते हैं और RTH लागू हुआ, कहा जा रहा है कि चिरंजीवी बीमा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है गहलोत सरकार की, जिसके वजह सरकार खुद कह रहे हैं रिपीट होगी। आपको क्या लगता है कि क्या लगता है आपको उसके हिसाब से? देखो, इसका लाभ तो मिला है, पर जो सरकार की पॉलिसी जो है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ। कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, प्रसादी लाल जी ने बहुत काम भी किया है, पर यह है कि आज ज़्यादातर अस्पतालों की स्थिति यह है कि वहाँ जाके देखें तो एक्सरे की मशीन में चूहे सड़े पड़े हैं, चालू नहीं है सुविधा। लालछोट में हो रहा है? हाँ, लालछोट में हो रहा है, रामगढ़ पछवाड़ा में भी हो रहा है। ये लालछोट की नहीं समस्या, अगर इसको ग्रास रूट पे देखा जाए तो सभी जगह की यही समस्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए, वो तो सरकार अब चुनाव में है। आपकी क्या मांग है, डिमांड क्या है, जो सरकार आए तो कम से कम, जैसे इनका कहना है कि कैलेंडर जो है परीक्षा के ठीक तरीके से होने चाहिए, जब निकले तो वैकेंसी परीक्षाएँ हों, उसमें वैकेंसी आए तो नियुक्ति भी हो। नियुक्तियाँ इस बार कुछ फंसी हुई हैं, जो बताई जा रही 24 में होंगी 25 में होंगी, अभी कुछ डिक्लेयर नहीं है, तो आपको क्या लगता है? मेरा मानना यह है कि सरकार का एक वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट है उसकी तिथि आ जाए वो उसी तिथि को होना चाहिए, जैसे उसका UPSC का होता है वैसे ही यहाँ RPSC का भी होना चाहिए। IAS की तरह, IPS तरह परीक्षाएं RPSC की नहीं हो पा रही? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पा रही। इस बार 5 साल सरकार ने कराई क्या? ऐसा तो नहीं है, जैसे रीट का पेपर हो, वो पिछले 4 साल से वैकेंसी पेंडिंग में, अब जाके हुआ है तो भी उसका पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया। मैं इस समय डॉक्टर रमन हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ सारे रिसर्च के स्कॉलर्स हैं, इनकी बात को समझना चाहता हूँ। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? जी, मेरा लालछोट ही है। आप भी लालछोट के हैं, तो आप इन्हीं तरह विचार रखते हैं या अलग कुछ? नहीं, इसमें यह है कि जो RPSC विषय कौन सा है? मैं पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च स्कॉलर हूँ। बाकी है कि RPSC को जैसे कैलेंडर जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, और रिक्रूटमेंट जो साइकिल है वो अपने राजस्थान का क्या, इंडिया का ही पूरा सबसे घटिया है।
जैसे आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो गया, कल वो कैंडिडेट सेकंड ग्रेड में भी जाएगा, फिर फर्स्ट ग्रेड में भी जाएगा। जबकि यूएसए यूरोप में भी क्या होता है, पहले ए ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट होता है, फिर बी ग्रेड का होता है, फिर सी ग्रेड का हो जाता है। जिसको ए ग्रेड में जाना है वो बी ग्रेड में क्यों जाएगा? तो वो गवर्नमेंट के लिए भी सहूलियत होती है और स्टूडेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके सब के लिए सहूलियत होती है। तो इनका जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है वो इनको चेंज करना चाहिए हमेशा। पढ़ाई समय आपको जो तुलनात्मक चीज़ें समझ में आती होंगी, अमेरिका, लंदन, सब बातें होती होंगी, और यहाँ जो काम हो रहा है वो राजस्थान जैसा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपका कहना? मेरा नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता ऐसा कभी भी, क्योंकि आरपीएससी जैसे कैलेंडर की बात होती है तो पिछले 3 साल से कैलेंडर हर बार जारी करती है, लेकिन उसको फॉलो कभी नहीं किया है, क्योंकि उस पर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। जैसे मेंबर की वहाँ पे अपॉइंटमेंट, जो नियुक्तियाँ होती है, तो आरपीएससी में कभी भी फेयर नियुक्तियाँ नहीं हुई है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप रिसर्च के सारे बच्चे हैं, स्कॉलर्स हैं आप लोग, ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने रिसर्च पॉलिसी में बहुत परिवर्तन किया है, वो फंड नहीं आ रहा है, तो गहलोत सरकार ने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या सुविधाएँ दी हैं आप लोगों के लिए जो केंद्र सरकार से थोड़ा अलग हो? रिसर्च में जैसे यहाँ पे काफ़ी, वैसे पिछले बजट में अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने, कि यहाँ पे जो नॉन फेलोशिप, नॉन जीआरएफ होते हैं उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 2 साल तक दिए जाएंगे। अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसको लागू नहीं किया अभी तक, 1 साल गुजर गया उससे ज़्यादा। अब यूनिवर्सिटियों पर डाल दिया, यूनिवर्सिटियों ने उसको भी कहाँ तक लागू फॉलो कर पाते हैं, वो पाइपलाइन में ही डाला है, अभी एक्टिव नहीं हो पा रहा है कभी भी। तो उसका बेनिफिट जहाँ तक मिलना चाहिए, और फिर बाद में उस पर रिस्ट्रिक्शन इतने लगा देते हैं, कंडीशन बहुत सारी लगा देते हैं, तो उनको सारे लोग योग्य नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सारे, जैसे पूरे राजस्थान में 2,200 स्टूडेंट के लिए उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कॉलर फेलोशिप वो जो डिसाइड किया है, जबकि 13-14 यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरी। तो और उसके बाद में भी कि जो रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको ओनली 2 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि अधिकांश स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, ये होता है, तो उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए, तभी अधिकतम स्टूडेंटों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो किस स्टेट की तुलना कर सकते हैं आप, कि उस स्टेट में हो रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा है? ऐसे तो तुलना करने पे तो मोस्टली रिसर्च के मामले में साउथ में जाते हैं हम। हमारे देश में देखते हैं 3 इंडिया मिलते हैं, साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, और मध्य भारत अलग होता है। साउथ के राजनीति सब जगह जैसी दिखती है आप, चूँकि पॉलिटिकल साइंस के आप जैसे केरला में जाओ आप, कंपेयर करो, वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ प्राइमरी स्कूल से आपको डिजिटल क्लास, स्मार्ट क्लास रूम मिल जाएंगे, जो आज से नहीं हो रहा, आज से 10 साल 15 साल पहले से हो रहा है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में क्लास तक स्मार्ट क्लास नहीं लगा पाते। तो किस डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ मिला आपको कभी, जो डिजिटल लाइब्रेरी खुली थी, यहाँ खुल रही थी? चालू कहाँ हुई है अभी? चालू नहीं हुई। तो अब देखिए ये बातचीत होगी, आपका विधानसभा क्षेत्र? सर मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा ठीक, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का कहा जा रहा है कि बाबा बड़ा यहाँ पर डिमांडेड हैं, बुलडोजर सरकार चाहिए, हम लोग फील्ड में जाते हैं, बातचीत लोगों से हो रही है, तो आपको लगता है वाकई में यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर सरकार चाहिए, या कुछ और काम होना चाहिए? सर मुझे तो ये लगता है कि गहलोत सरकार सही है, बस इनके जो मेन समस्याएं पेपर लीक वाला है इशू है। आप भी मुझे लगता है करते होंगे पेपर लीक? हालांकि मैंने कोई खास, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, मैंने कोई खास एग्जाम नहीं दिया। कौन से विषय से तैयारी कर रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी से मैं PhD कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जो अभी फेलोशिप का मुद्दा था उसमें अदर स्टेट वालों को हटा दिया उन्होंने, तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। बाकी मतलब आप कह रहे हैं कि अदर स्टेट को स्टेट के उन्होंने, ये तो मास्टर स्ट्रोक भाई है उनका अपना, लेकिन उनमें रिसर्च चाहिए, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर मोस्टली कुछ गिने चुने अदर स्टेट के ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मुश्किल से ज़्यादा 10 या चाहते हैं कि अदर स्टेट वाले भी जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, स्कॉलर को लेना चाहिए, बिल्कुल कुछ करना चाहिए। मैक्सिमम 2-3% स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। अब जैसे हमारे हॉस्टल में केवल 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे यूपी से, बाकी किसी हॉस्टल में अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं है। कितने स्टूडेंट होंगे इस हॉस्टल में? इसमें 2 स्टूडेंट है यूपी से, पूरे हॉस्टल पूरे तो 36 हैं। 36 में 2 हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब उनके संख्या यहाँ रखनी चाहिए थी? बिल्कुल निश्चित रूप से रखनी चाहिए भाई, रिसर्च के लिए पैसा देना कि आप वोट के लिए, वो तो ठीक है आपको दिया जाएगा, लेकिन हम भी उसमें सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन अब वही है। बाकी सरकार सही है सरकार। मेरे हिसाब से बस ये 2 मुद्दे यहाँ के, इनका जो एक ये है पेपर लीक वाला, पेपर लीक का मुद्दा। आप बताइए, मैं समझ पाया यहाँ पे, आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मैं पोखरण से आता हूँ, जैसलमेर में। जैसलमेर में कहा जा रहा था कि बहुत टफ लड़ाई है, 500 वोट से सरकार, मतलब वहाँ विधायक बदल जाते हैं, जिस तरह से वहाँ महंत जी आए हैं, इस बार फिर से आ गए हैं, फिर से वही साले मोहम्मद जी हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार यहाँ 5 साल चली है, ये एजुकेशन, रोज़गार, इन तमाम मुद्दों पर सफल रही है? सर
पहली बात तो आपने जो महंत जी और शाले मोहम्मद जी का कहा है, हमें सांप्रदायिकता पे चलना भी नहीं चाहिए, हमें सांप्रदायिकता परे राजनीति देखनी है। हमें देखना है कि मूलभूत क्या आवश्यकताएँ क्या पूरी हुई हैं उस पर। और मेन चीज़ दूसरी होती है, मूलभूत में ही आती है शिक्षा। और शिक्षा हमें अगर शिक्षा जो है शुरुआती प्राइमरी शिक्षा है उसमें अगर सुधार करें ना तो अपने आप उच्च स्तरीय सुधार हुआ है। कौन से विषय से पीएचडी कर रहे हैं आप? मैं हिंदी से। तो वहाँ पर सुधार हुआ है कुछ? हिंदी के लिए कुछ काम हुआ है? हिंदी के लिए ठीक है, थोड़ा रोड़े बन गई है। और थोड़ा हिंदी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन प्राइमरी कह सकते हैं कि जो सड़क पहुंचना है और स्कूलों का क्रमोन्नत किया गया है, ठीक है। और मेन जो सब्जेक्ट है उच्च स्तरीय पे तो ज़्यादा सुधार पे काम हुआ है कि नहीं? आप हिंदी पे कुछ नहीं हुआ वैसा। तो आप क्या मानते हैं, गहलोत सरकार ने काम ठीक किया है? हाँ ठीक है, अगर दो बुरों में से एक बुरा चुनना हो तो गहलोत सरकार ठीक है। मतलब आपको लगता है कि दो बुरे हैं उसमें से दोनों मतलब ठीक नहीं है? ठीक दोनों नहीं ठीक है, लेकिन दो बुरों में से एक चुनना हो तो मैं कहता हूँ कि एक ठीक है। तो गहलोत को अगर हिंदी में जो कविताएं होती हैं, नेता अक्सर पढ़ते रहते हैं विधानसभा, आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कभी कहानियां पढ़ी जा रही लेकिन कभी के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर? कवि का कहाँ, अगर राजस्थान के लेवल पे देखें तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि राजस्थान लेवल पे नहीं हो रहा। आपने पूछा कि जैसलमेर लेवल पे, आपने जैसलमेर स्तर पे कहा, दोनों बताइए आप। सरकार दोनों जगह आपकी है मतलब? हाँ। कांग्रेस की है दोनों जगह, आप मेरी तो नहीं हो सकती। मंत्री है ना आपके साथ, विधायक जी मंत्री हैं। हाँ, अल्पसंख्यक मंत्री है शाले मोहम्मद जी, पर वो जो है अब राजस्थान देखें तो स्तर पर जैसे उच्च स्तरीय है तो वहाँ तो थोड़ा हिंदी सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, तो वहाँ तो होगा। और ग्रामीण स्तर पे जो 12th स्कूल होती है तो वहाँ तो हिंदी को, मैं तो नॉर्मल 11th 12th में आता है, ठीक है, वहाँ थोड़ा सुधार होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। चलिए थोड़ा सुधार है इसमें। आप जरा बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? इधर देख करके, इधर भी देख कर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? अजमेर है। अजमेर में इस बार सीटों का जो बंटवारा रहा बड़ा मुश्किल हुआ सरकार को, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, कई सारे सीटों भाजपा के लोग हैं। अजमेर में 2-3 जिले बने हैं, ब्यावर और केकड़ी सब, तो उन सब चीज़ों को लेकर के देखा जाए, या आपसे मैं पूछूं कि शिक्षा रोजगार को लेकर के आप वोट करेंगे सरकार से खुश हैं? क्या नाम आपका? आशीष। विषय कौन सा आपका? मैं केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा हूँ। तो क्या केमिस्ट्री दिखती है आपको? केमिस्ट्री तो यही है कि काम तो इसका अच्छा हुआ है तो उसके हिसाब से तो गहलोत जी का कुछ बन सकता है इस बार। मतलब गहलोत की केमिस्ट्री है इस बार? गहलोत जी की केमिस्ट्री चमक जाएगी इस बार। अच्छा, ये जो जिला वाला केमिस्ट्री है उससे कैसे लगता है, जिला जो बनाया इन्होंने उससे कुछ लोगों को खुशी है और कुछ लोग? आपको क्या है? हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे इसमें ब्यावर और जो केकड़ी वाले हैं उनको ज़्यादा फर्क फायदा मिला। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? अजमेर। अजमेर अजमेर कौन सा, उत्तर दक्षिण कौन सा है? उत्तर वाला है, जहाँ वासुदेव जी आते हैं, वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री भी रहे। तो आपको लगता है कि जो सरकार ये जो काम कर रही थी बढ़िया है? सरकार ने काम तो अच्छा किया लेकिन कुछ कमियाँ जो बहुत निखर के आई। रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो सरकार ने क्या दिया आप लोगों को? कहा जा रहा था युवाओं का बजट है, युवाओं के लिए होगा, गहलोत जी लगातार ये बात कहते रहे, बहुत हमने प्रचार देखे लगा हुआ था कि युवाओं का बजट है, आपको कुछ मिला? अब हमारा तो नहीं, लेकिन जो नॉन जेरप वाले था उनका करा तो था लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 20,000 जो भाई साहब कह रहे थे मिला आपको? वो हमारा तो जेरप वाला था, हमारा तो नहीं था लेकिन नॉन जेरप वालों को अभी तक मिला नहीं। नेट वालों को भी नहीं मिला। पीएचडी जो कह रहे थे उनको मिला? पीएचडी जो वही पीएचडी वाला का ही बता रहा हूँ, जो नॉन जेआरएफ या नेट वाले उनको अभी तक वो मिला नहीं। 20,000 का लाभ मिलना चाहिए था। आपकी डिमांड होगी जो सरकार आए वो दे। हाँ, वो देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत रिसर्च बहुत काम का देता है स्टेट के लिए, काम कराता है। एक चीज बताइए जरा, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा विधानसभा चौमू क्षेत्र है। आप कौन किस विषय से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं? राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो क्या लगता है आपको यहाँ क्या होना चाहिए? आप राजनीति विज्ञान के अगर विद्यार्थी हैं तो क्या लग रहा है आपको? जैसे अभी बात कर रहे थे कि जैसे सरकार ने जो स्कॉलरशिप की बात की है, सबसे पहला मेरा यह है कि विश्वविद्यालय स्तर पे जैसे एमपेड का टेस्ट होता है उस पर सीटें निकलेगी तो बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे। तो उसके बाद में पहले तो यही सवाल है कि यहाँ स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलर के लिए वो एमपेड नहीं निकल रहा, तो हम जैसे मैं नेट कर रखा है पीएचडी में लेना चाहता हूँ तो कहाँ लूँ? और फिर वो स्कॉलरशिप का फ़ायदा तभी मिलेगा जब यहाँ यूनिवर्सिटी में सीटें आएंगी। कुछ फ़ायदा तो सरकार कह रही है कि हमने इतना फ़ायदा दे दिया है कि राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि मांगो और वो देते तक जा रहे हैं, मांगते तक जा रहे हैं, कोई मांग ही नहीं रहा है कुछ। आपने कुछ मांग की सरकार से? सर ये सवाल उनका कहना एक तरीके से मैं मानता हूँ एक धरातल ये वास्तविकता नहीं है, ये एक हवाई बात कह सकता हूँ मैं इसको, तथ्य के साथ कह सकता हूँ। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का पिछले 3 साल से अभी एमबीएड नहीं हुआ, तो ये बजट देना और
काम करना जैसे कह दिया, इम्प्लीमेंट करना सबसे पहले इम्पोर्टेंस है। यदि उसको धरातल पे नहीं लाया तो जो योजना है वो कागजी में सीमित हो गई, अखबारों में सीमित हो गई, टेलीविज़न की न्यूज़ बन गई, लेकिन जो विद्यार्थी हम जो बैठे हैं यहाँ उनको फ़ायदा नहीं मिला तो क्या। एक चीज़ बताइए, अब आपसे राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ, तीसरा फ्रंट राजस्थान में क्यों नहीं बन पाता है, क्या वजह हो सकती है? सर तीसरा फ्रंट शायद मेरी मेरा खुद का विचार हो सकता है कि सर शिक्षा की सबसे बड़ी, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो एक रूढ़ीवादी परंपरा जो एक राजनीति पार्टियों की नहीं, वो सामाजिक जो परंपरा है वो पार्टियों में स्थापित हो चुकी है। वो चाहते हैं कि जो पहले से इस्टेब्लिश नेता है वही आगे से आगे रहें, किसी जो एक जैसे पढ़ा लिखा युवा है वो कर रहा है मेहनत, उसको सर एक तरीके ऐसे समझाते कि ये व्यक्ति जो ज़्यादा सोचता है ज़्यादा या कुछ बेहतरीन समाज में परिवर्तन लाता है तो उसे एक पागल तरीके से जो बैठे हैं वो लोग उसे घोषित कर देते हैं, और उसकी एक छवि जो स्पष्ट छवि जो समाज में बनी हुई है कि बेहतरीन वैज्ञानिक समाज या प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ नेगेटिव प्रचार के माध्यम से गिरा दिया जाता है। तो ये सर सबसे बड़ी विडंबना मैं मान सकता हूँ। अच्छा ये चीज़ बताइए, राजस्थान के चुनाव देख के लगता है कि यहाँ पर दो दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की भी पार्टी है, इसमें CPIM भी है, कहीं BTP लड़ रही है, तमाम छोटे छोटे दल हैं, बसपा, आम आदमी पार्टी, सबकी एंट्री है यहाँ पर। आप कैसे देख पाते हैं कि लोगों को इस बार योजनाओं को देखना है, लोग योजनाओं को देख रहे हैं, 50-53 जिले बन गए, इन सब का कुछ असर दिखता है आपको? हाँ सर, स्वाभाविक असर भी है, मैं मानता हूँ ये चीज़ें हैं, लेकिन सर जैसे 53 जिले बने, 53 जिले बना दिए, अच्छी बात है, पूरे 53 जो बन चुके हैं, लेकिन सर जैसे ही वहाँ की जो जैसे राजस्व जो कार्यालय है उनके बनाने, प्रशासन की जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो भूमिका है वो पहले वहाँ स्थापित हो, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी जो अवसर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना थी। जैसे सर एकमात्र में चिरंजीवी योजना की बात करूं, या अनुप्रीति कोचिंग योजना की बात करूं, या तमाम जैसे रिट की एग्जाम होते हैं तो उसमें सर एक 5 साल एग्जाम ना हो और दूसरी फिर 5 साल बाद में तो विद्यार्थी को पूछा जाए कि तूने 10 साल में क्या किया, तो विद्यार्थी ये कहेगा मैंने 10 साल में 2 पेपर दिए। तो हमारी तो एक 10 साल के अंतर्गत हमने बहुत बड़ा जीवन व्याप्त कर दिया, लेकिन मिला हमें फल कुछ भी नहीं। समाज की एक दूसरी हमारे ऊपर दबाव होता है कि तुमने क्या किया, घर वाले भी पूछते होंगे। तो यहाँ सरकारें एक कैलेंडर स्थापित करे, सिस्टमेटिक करे, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, हिंदी मीडियम, महात्मा गांधी, तो उसमें सर जैसे इंग्लिश मीडियम खोल दिया, अच्छी बात है, इंग्लिश में बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ स्टाफ तो नहीं है इंग्लिश में पढ़ाने वाला। कह रहे हैं कि आने वाले में इन्होंने वादा किया है, आते समय आने वाले समय में इसकी बहुत और डिमांड बढ़ाएंगे अंग्रेजी वालों की। जैसे सर मेरे गांव का मैं एग्जांपल दे दूं कि मैं गोविंदगढ़ क्षेत्र के गुड़लिया ग्राम पंचायत से आता हूँ, वहीं 12th के इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया, चालू कर दिया, वहीं स्टाफ नहीं है बच्चों का पढ़ाने के लिए, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल काम का नहीं। मतलब आप सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट सर वो बहुत नहीं है, बहुत नहीं, वो पहले इंप्लीमेंट करो, रोजगार के साथ निकालो, मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हो उसको सर पहले उस पर काम होना चाहिए। हवाई बात नहीं, जैसे अभी कहते हैं कि 5,000 की वैकेंसी आएगी और 5,000 की VF, चाहे 5 साल बाद में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन 5,000 वैकेंसी वहाँ एडमिट हो जाएंगे, टीचर आ जाएंगे और फिर स्कूल होता है तो वहाँ बच्चे भी साथ आएंगे, एक मतलब एक पैमाना निकल के जाएगा जो एक ना तो इंग्लिश मीडियम का रहेगा ना हिंदी मीडियम का, जिसे कहते हैं कि एक मीडियम जो मिश्रित हो उसका इंग्लिश और हिंदी का जो मिक्सर बनेगा वो किस प्रकार का उसका स्वाद होगा, वो स्वाद बन नहीं पाएगा, या तो पूरे इंग्लिश मीडियम का बनाओ या पूरा हिंदी मीडियम का बनाओ। सवाल जैसे भाई साहब से आपने जैसलमेर की जो हिंदी पे सवाल किया, जैसे राजस्थानी साहित्य की एक अच्छी भाषा है हमारी, एक साहित्य है, उस साहित्य पर शायद मुझे नहीं दिखता कि कोई काम हो रहा है। जैसे हिंदी साहित्य इंग्लिश साहित्य को हमें प्रमोट करके इंग्लिश एक माध्यम एक जनरेट किया जाता है, सर जहाँ तक है कि अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपनी भाषा को देनी चाहिए। अब जरा आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कौन सी विधानसभा क्षेत्र है आपका? मैं थानागाजी विधानसभा से। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से आप हैं और वहाँ पर क्या लग रहा है आपको, किस विषय से यहाँ पर PhD कर रहे हैं? मैं प्राणी शास्त्र से PhD कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या है राजस्थान का चुनाव इस बार कहाँ जा रहा है? राजस्थान का चुनाव मेरे हिसाब से तो भाजपा को जा रहा है। अच्छा, भाजपा को जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है, यहाँ जो सरकारें चलती हैं वो काम कर रही हैं कि बस ऐसे ही मतलब आई और चली गई 5 साल बाद? नहीं, काम करती है ना, 13 पेपर लीक कर दिए, खूब कमा लिए, ये काम ही कर रही है खुद के लिए, जनता के लिए काम नहीं कर रही। बाकी लोग तो कह रहे हैं कैलेंडर नहीं बन पाया, लेकिन पेपर लीक मामला बहुत मुद्दा नहीं है। उन्होंने वैकेंसी निकाली है, पेपर करवाए लेकिन बेच के करवाए, तो खुद के लिए काम करें, घर भरे हैं खुद का। कौन कौन रहा, किसको लगता है कि यार यही आदमी था जो विलन का काम कर रहा था सरकार में? आरोप तो किस पे लगा दिया, ऐसे को एजेंसी लगाई गई आरोप, तो अपन तो कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? एजेंसियों का आना आप सही मानते हैं या जो लगातार आ रही हैं? देखो एजेंसियां हैं, सेंटर की एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, तो वो अपना
अपने स्तर पे काम कर रही हैं, तो उनके हिसाब से ठीक है, वो देखना चाहिए फैसला क्या होता है। एक सवाल आपसे और कर लेता हूँ, यहाँ पर इस बार जो चुनाव होना था छात्र संघ का हो नहीं पाया, तो उसका कोई कष्ट है मन में? हाँ, कष्ट तो है, विद्यार्थी यहीं से राजनीति शुरू करता है और अपने आखिरी मुकाम तक जाता है, जैसे पीएम बनता है, तो यहीं से ग्राउंड लेवल से शुरू करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो जो राजस्थान में सीएम बैठे हैं वो भी कॉलेज का इलेक्शन लड़े हैं, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़े हैं, हारे हों जीते हों वो बात अलग है, लेकिन सब पहुँचे हैं विद्यार्थी राजनीति से। तो क्या लगता है आपको कि कहाँ जा रहा चुनाव, क्या क्या रह सकता है, क्या हो सकता है? 5 साल में जो काम किया है सरकार ने वो युवाओं के खिलाफ किया है, और युवा वोट तो उसी को करेंगे जो पक्ष में करेगा। तो थानागाजी से क्या लहर निकल रही है, मतलब क्या समझा जाए? थानागाजी से भाजपा की लहर निकल रही है। पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसने स्वास्थ्य में हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है जो अपना प्राइवेट डालता है और काम करता है। कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, जो है एनएसएस का काम संभालता है, स्काउट का काम संभालता है, उनका काम संभालता है, पढ़ाने वाला कोई नहीं। विश्वविद्यालय के लिए क्या चाहेंगे आप? विश्वविद्यालय के लिए ठीक चल रहा है, जैसा चल रहा है। अब फेलोशिप जारी की है पीएचडी वालों के लिए, अभी तक तो आई नहीं, 1 साल से नहीं आई। हाँ नहीं, घोषणा हुई है अगस्त से देना बताया है उन्होंने, लेकिन कितने रुपए की घोषणा हुई थी? 20,000 की हुई है, लेकिन मिली नहीं। नहीं, अभी तक किसी को नहीं मिली। तो आप लोग लिए तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा होगा अगर मिल जाता तो? नहीं मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट ने घोषणा की है, फॉर्म भरवाए तो वो तो मिलेगा, मास्टर स्ट्रोक है वो तो। तो चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद, फिलहाल तो चुनाव के बाद मिलेगा। एक चीज बताइए जरा, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा विधानसभा क्षेत्र दूदू है सर। दूदू है, आपका तो जिला बन गया? हाँ, जिला बन गया सर। तो दूदू में क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? अब दूदू में सर बाबूलाल नागर कांग्रेस से प्रत्याशी है और प्रेमचंद बेरवा बीजेपी से प्रत्याशी है, तो दोनों के बीच में सर कांटे की टक्कर है। कांटा कहाँ से आ जाता है? टक्कर तो आ जाता है, कांटा कैसे आ जाता है? मतलब कांटा की तरह सर, सुई की नोक की तरह, जैसे दोनों से कोई नहीं है वहाँ पर, तीसरा मोर्चा नहीं है सर। तीसरा मोर्चा नहीं है। तो आपको लगता है कि आप किस विषय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं भूगोल विषय से यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ सर। ये राजस्थान का तो भूगोल वही है, लेकिन थोड़ा सा बदला है इन्होंने, सिस्टम बदला है ना, थोड़ा सा प्रशासनिक रूप से बदल दिया है। तो आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा सरकार को? सरकार को सर, इसका जनता को भी लाभ मिलेगा और प्रशासन की दृष्टि से और सरकार को भी लाभ मिलेगा। इस बदलाव का सरकार को वोट में कुछ आपको लगता है कुछ फायदा हो सकता है? सर, इसका निश्चित रूप से फायदा होगा सर। जब सरकार ने जनता के लिए प्रशासनिक रूप से सुधार किए हैं, तो इसका निश्चित रूप से जनता सरकार को अपना लाभ देगी और सरकार भी जनता का लाभ लेगी। अच्छा, जब दूदू जिला बनाया गया तो बड़ी चर्चा में रहा दूदू की, बहुत छोटी सी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत छोटा जगह है। ये कहा गया कि ये तो ब्लॉक लेवल का था, तहसील लेवल का था, उसको इन्होंने जिला बना दिया, क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? सर, इसकी वजह ये है कि जयपुर की जो जनसंख्या है और जयपुर का जो क्षेत्र है, तो उसके अनुसार से जयपुर का विभाजन किया जाना चाहिए, और दूदू जयपुर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, तो उस दृष्टि से दूदू जिला बनने लायक था, तो उस दृष्टि सरकार ने निश्चित किया और कमेटी ने सरकार को सिफारिश की, तो इसके आधार पर सरकार ने दूदू जिला घोषित कर दिया। जितने भाइयों ने अलग अलग विषय बताया उस पर आप संतुष्ट हैं उससे? सर, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी में सुधारों की बात है, तो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स कैंडिडेट का जो रिक्रूटमेंट है वो एक एजेंसी के थ्रू करवाया जाना चाहिए, और यहाँ पर परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, और जो इंटरव्यू की प्रक्रिया यहाँ पर यूजीसी में, वो सबसे बड़ी विसंगति है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष रूप से एक एजेंसी होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटी में टीचर्स कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए। 20,000 रुपया जो मिलना चाहिए था, मिलने का सर पड़ेगा कुछ? सर, वो निश्चित रूप से पड़ेगा सर। अगर मान लो किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो शोध की दृष्टि से गुणवत्ता उभर कर आएगी सर, यूनिवर्सिटी में गुणवत्ता आएगी। दर्शाता हूँ मैं, आ जाता हूँ, बैठे रहो आप, बैठे रहो, वो आ जाते हैं आपके पास। अब जरा बताइए आपका विषय कौन सा है? हिंदी। हिंदी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं आप? जी। एक उम्मीद से कर रहे हैं भाई हम रिसर्च कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, कहीं और बन जाएंगे। जी जी। आपको लगता है सरकार ने आपको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई है? बिल्कुल, काफ़ी हद तक। विधानसभा आपका? शिव विधानसभा है। अच्छा जी, शिव विधानसभा है। सरकार ने काफ़ी योजनाएं सरकार ले आई है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि धरातल पे वो इतनी योजनाएं अभी तक आ नहीं पाई है जितनी आनी चाहिए धरातल पे। और जैसे भौतिक सुविधाएं है, मूलभूत सुविधाएं, वो भी हर गांव में देखो आप, या पंचायत समिति स्तर पे देखो, ग्राम पंचायत पे देखो, वो इतनी मूलभूत आवश्यकता है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। जैसे मेरा एक छोटा सा गाँव है, उस गाँव में आज भी, उस गाँव को बसे हुए लगभग 800 साल हो गए, अभी तक पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है। अमीन खान ने कोई काम नहीं किया? काम किया है उतना नहीं, सरकार के बाद भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो आपके यहाँ तो बड़ा मुद्दा में हिट है पूरा, रविंद्र सिंह भाटी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, रविंद्र सिंह भाटी वहाँ गेम चेंजिंग कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई दोराय नहीं इसमें, निश्चित तौर से रविंद्र सिंह भाटी
इस बार जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो उनका पहला चुनाव है, लेकिन इतनी दावे साफ कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? उसका कारण है युवा उनके साथ है, युवाओं के साथ साथ अभी बुजुर्ग भी उनके साथ हो गए। अच्छा, आपके सीट पे युवाओं की संख्या ज्यादा है क्या? बिल्कुल बहुत है, युवा है। तो आप लोग चाहते थे कि रविंद्र सिंह बाडे किसी दल से टिकट मिलना चाहिए था? इसमें कोई दो राय नहीं, चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं, बीजेपी ने पहले शामिल कर लिया और फिर मुझे लगा ऐसे वोट क्या सीट मिल जाएगी, लेकिन कुछ कारणों से। क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप अगर साथ में हैं तो क्या लगता है क्या वजह रही होगी जो रविंद्र सिंह भाटी टिकट नहीं दिया गया? इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे नेता है जो काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी अपनी पार्टी में जाऊँ, सीट लूँ, विधानसभा विधायक बनूँ। हर कोई चाहता है, अपनी अपनी इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, तो हर कोई विधायक बनना चाहता है। सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं, ठीक है, योजनाएं तो ले आई है, लेकिन मैं इतना नहीं मानता कि धरातल पे उन काम नहीं हुआ इतना में। रिसर्च के लिए कौन सी सरकार आप लोगों को लगता है कि सरकार क्या कर देती कि आपको बढ़िया रहता, या जो आपके साथ ही आएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा? रिसर्च के लिए अशोक गहलोत ने वो जो अभी सभी ने बताया है कि स्कॉलरशिप 20,000 लेकिन वो 20,000 कोई भी योजना हो, लेकिन इतनी वो धरातल पे आती नहीं। जैसे 20,000 घोषणा कर दी, 1 साल हो गया उसको, अब फॉर्म भरवा दिए तो वो अभी आई नहीं लोगों के अकाउंट पे। जब वो अकाउंट में आएगी ना तो वो योजना मानी जाएगी, फिर अकाउंट में आई नहीं तो फिर क्या? पैसा नहीं आया मेन चीज़ तो मुद्दा वही है। आप चिरंजीवी को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प हुई है इस चिरंजीवी से, जो बेचारे बहुत गरीब होते थे, उन लोगों का इलाज नहीं हो पाता था, तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ बिल्कुल। बढ़िया है, आप बताएं आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? चौमू विधानसभा क्षेत्र में। चौमू में रामलाल शर्मा, शिखा बराला और तमाम लोग हैं। जब चौमू विधानसभा क्षेत्र में जब कांग्रेस ने पत्र मंगवाए थे तो 100-150 के आसपास सबसे ज़्यादा वहीं पर आवेदन मिले थे कि हमको चुनाव कांग्रेस से लड़ना है। अब आपको क्या लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं की बात होगी या सरकार की बात होगी या जातिगत समीकरण चलेंगे या मोदी अशोक गहलोत होगा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि योजनाओं पे वोट होने चाहिए। तो वहाँ पर वोट पड़ेंगे योजनाओं पे? हाँ, वो योजनाओं के अकॉर्डिंग वोट पड़ेंगे। और मैं जैसे बात करना, विषय कौन सा है? रसायन शास्त्र। और मैं बात करना चाहूँगा पेपर लीक पे, कि पेपर लीक एग्ज़ाम आती हैं, वैकेंसी आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनकी जाँच नहीं होती है, फिर वैकेंसी अगर जब आप क्लियर तरीके से नहीं कर पा रहे तो फिर करवाते क्यों हो? दूसरी बात कि वैकेंसी आती हैं तो सारी एक साथ आती हैं, RS आ जाएगा, कॉलेज लेक्चरर आ जाएगा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट सब एक साथ होंगे। विद्यार्थी को एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो वो ऐसे नहीं है कि 5 साल एक की तैयारी करेगा, वो सबकी करेगा, फिर लास्ट में कि कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं किसकी करूँ। तो वही बात हो गई कि आपको 10 दिन तक बुखार रखे और फिर एक साथ खाना दे दे, फिर बोल अब 10 दिन नहीं मिलेगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सारी टाइम टेबल आना चाहिए RPSC का, और हर एग्ज़ाम में इतना गैप होना चाहिए कि विद्यार्थी सफिशियंट टाइम मिल जाए और उसकी तैयारी कर सके। और पेपर लीक के लिए जो भी अभी RPSC मेंबर का नाम आता है तो सरकार भी उस पर, ना तो RPSC मेंबर का वो स्टेटमेंट आता है कि हमने ये किया है या नहीं किया है, जबकि उन्होंने नहीं किया है तो क्लियरली उसको स्टेटमेंट बताना चाहिए कि भाई हमारा नाम जो आ रहा है वो झूठा आ रहा है। उस पर भी कोई चर्चा नहीं होती, नाम आ रहा है बाबूलाल जी कट्टर जो उनके सदस्य थे उनका नाम आया, लेकिन उन पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ ऐसा। तो सरकार क्या एक्शन लेती, उसके कुछ रिजल्ट निकलते तो समझ में आता कि हाँ सरकार काम करी? अगर कुछ एक्शन होता, अभी कुछ हुआ ही नहीं, पिछले साल भर से हो गया, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया अभी तक कई सब्जेक्ट का, फर्स्ट का नहीं आया, अब रीट का पहले दे दिया, अब जिन का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में हो जाएगा वो रीट का भी आ गया उनका रिजल्ट, और सेकंड का आया नहीं अभी, तो रीट में ज्वाइन कर लेंगे तो वो पद खराब हो जाएंगे, तो जो कमज़ोर वर्ग के नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, जैसे वेटिंग लिस्ट नहीं आई अभी तक कोई किसी, मतलब वैकेंसियों का एक वैकेंसी क्लियर नहीं, दूसरी आ गई पता चला वो हुआ तो इसलिए हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। इनमें जैसे फर्स्ट सेकंड और रीट तीनों साथ हुई तो इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर ज्वाइनिंग में ये देना चाहिए कि पहले फर्स्ट ग्रेड का ज्वाइनिंग हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड का, जिसका तीनों में हो रहा है वो फर्स्ट में ज्वाइन कर लेगा। अगर अपन पहले रीट को दे देंगे तो वो रीट में ज्वाइन करेगा, फिर सेकंड में हो जाएगा तो सेकंड में भी ज्वाइन करेगा, 7 की भर्ती है, लास्ट में फर्स्ट में जाएगा, तो 2 पद खराब हो गए वो,
इस वजह से प्रायोरिटी ऑर्डर में देनी चाहिए। तो आप लोग चिंता सरकार को ठीक नहीं थी इस बार? मुझे लगता है ऐसी कोई चिंता नहीं थी कि युवाओं के साथ कुछ अच्छा किया जाए, नहीं तो फर्स्ट ग्रेड अक्टूबर में हुआ, सेकंड ग्रेड दिसंबर और जनवरी में, रीट फरवरी में हुआ, उसी ऑर्डर में रिजल्ट आने चाहिए थे और इसी ऑर्डर में ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं अभी तक? कोई चिंता नहीं थी सरकार? मुझे नहीं लगता है युवाओं को लेकर कोई चिंता। क्या करें आप? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल के लिए जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है जनवरी में हुई और अब की उसकी एग्जाम की डेट को घोषित कर दी और उसमें जैसे उसका बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि जैसे मान लो सर अभी एग्जाम की डेट दे दी लेकिन उन्होंने कितने सीईटी का पेपर करवा के कितना गुना पास करना वो क्लियर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन की स्थिति में कितने लोग पास होंगे तो एक स्पष्ट होता है कितने लोग पास होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें सर युवाओं के लिए समस्या का असमंजस की स्थिति में तो एग्जाम का एक फिक्स कैलेंडर हो जाए, वो जैसे अपना एग्जाम हो रहे हैं जैसे चुनाव हो, पूरी डेट अपनी प्लानिंग सारी चीजें इतनी सख्ताई से पालन कर रहे हैं, तो सर हमारे साथ खिलवाड़ होता है पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से, जैसे लगता है कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री का एक पूरा लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रिया के तरह से पूरे नियम कानून कायदे से सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हो रही है, जैसे इलेक्शन वैसे ही कहीं ना कहीं सर पूरे सिस्टम के साथ ऐसा ही एनवायरमेंट ऐसा ही पूरा क्रिएट किया जाए प्रशासनिक तरीके से कि वो सारे यदि अपने क्षेत्र के लिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि लागू हो सकते तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हर तमाम जो वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी का वर्ग हो, चाहे महिला को वर्ग हो, चाहे मजदूर का, तमाम जितने भी जो भी सारे फैक्टर, उनको पूर्णतः ईमानदारी से जो आज काम हो रहा है सारे वैसे ही काम होना चाहिए, शायद बेहतरीन राष्ट्र और बेहतरीन प्रशासन बन सकता है, उसमें कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है सरकार को, इसमें कोई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, जिस प्रकार से चुनाव में पूरा मॉडल खड़ा किया जाता है उस परिप्रेक्ष्य में पूरा कैसा मॉडल बनाया गया मेरा तरह। तो ये रात 10:30 बज रहे हैं और मैं इसमें विश्वविद्यालय परिसर में था, मेरे साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स बैठे थे, इनके अलग अलग विषय अलग अलग क्षेत्र के थे और इनकी समस्याएं भी अलग अलग थी, लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि सरकार इनकी चिंता करती तो आज थोड़ा सा इनका माहौल अलग होता, इन्हें स्कॉलरशिप मिलती और ये अपने रोजगार की तरफ बढ़ पाते, परिवार को समझा सकते थे भैया हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेकर के आएंगे। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।